नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। आज हम बात करने वाले दोस्तों टेबल के बारे में। मैंने अपने जीवन के अंदर 3 टेबल खरीदी थी कंप्यूटर के लिए। मेरे पास 2 कंप्यूटर है लेकिन मैंने 3 टेबल लिए, और 3 टेबल लेने के बाद मेरा टेबल पर इतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ गया कि अगर आप एक गलत टेबल ले लेते हैं ना तो आप कंप्यूटर को लंबे देर तक काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये जो टेबल है ना मेरी, ये मैंने थोड़ी गलत ले ली, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैंने सोचा ये दुकानदार को काफ़ी नॉलेज है तो ये अपने अनुसार बना लेगा, लेकिन उसने गलत बना ली। क्योंकि जो 3 टेबल है ना वो हमने कस्टम बनाई थी, तो एक जो टेबल थी वो हमने 2011 के अंदर बनाई थी, वो टेबल ठीक थी। फिर हमने ये बनाई 2021-22 के अंदर ही बनाई थी, ये इतनी अच्छी नहीं है। और वो अभी एक और बनाई वो 23 के अंदर बनाई है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले, अगर आप एक कंप्यूटर के लिए टेबल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आपके पास जो मॉनिटर है ना वो कितने इंच का है। अगर आपके पास एक 22 इंच लगाकर 24 इंच का मॉनिटर है ना, तो जो टेबल है उसकी जो चौड़ाई है ना, ये देख रहे हो, ये चौड़ाई ये 2 फीट काफ़ी है। और जो लंबाई है ना, ये आप 5 फीट भी ले सकते हो, 4 फीट भी ले सकते हो, 6 फीट भी ले सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन अगर आप एक ऐसा मॉनिटर ले रहे हो जो 27 इंच से लगाकर 32 इंच का है, तो गलती से भी 2 फीट की टेबल मत लेना, फंस जाओगे पूरी तरह। क्योंकि जो मेरी पुरानी टेबल थी ना, ये 2 फीट की थी, मतलब 2 फीट इसकी चौड़ाई थी। तो मैंने मॉनिटर रखा तो ऐसा मुझे लगता है कि भाई मेरे सीने पे आ गया, इनके ऐसे कॉर्नर देख लेने मुझे ऐसे करना पड़ता है, मतलब गेम खेलता हूँ तो ऐसे मेरे गर्दन हिलती है। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मॉनिटर 27 इंच का होना तो आपके पास टेबल चाहिए उसकी जो चौड़ाई है ना वो चाहिए 3 फीट, ये देख रहे हो, ये 3 फीट चाहिए, या फिर 2.5 फीट ले लो। लेकिन ये 2 फीट की ले ली तो आप पूरी तरह फंस जाओगे, या तो 2.5 फीट की लीजिए या 3 फीट लीजिए। बाकी आप लंबाई कितनी भी ले सकते हो, 4 की ले सकते हो, 5 की ले सकते हो, 6 की ले सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो टेबल है उसकी ऊंचाई कितनी ले, यानी फ्लोर से ऊंची कितनी होनी चाहिए। सीधा सा आंसर बता रहा हूँ, 28 इंच। अगर आप थोड़े से बड़े हो तो 30 लास्ट है, लेकिन इससे अगर आपने ऊंची बना ली, पैसे गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि ज़मीन से आपकी जो टेबल है ना वो आपके अनुसार होनी चाहिए। आपके हाथ जो टेबल पे है ना नीचे नहीं, मतलब ऐसे अगर आप टाइपिंग करोगे ना खटखटाते हैं, दुख दर्द करेंगे, तो आपका हाथ और ऐसे टेबल पर टच रहना चाहिए ताकि आप आसानी से टाइपिंग कर सकते हो, यानी 28 इंच काफ़ी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको कीबोर्ड ट्रे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने जो 3 टेबल बनाए ना उसके अंदर 1 के अंदर कीबोर्ड ट्रे थी और 2 के अंदर नहीं थी। देखिए कीबोर्ड ट्रे का नुकसान क्या है, मैं पहले ये बता देता। कीबोर्ड ट्रे आप ऐसे बाहर निकालते हो और ऐसे टाइपिंग करते हो तो आपका हाथ कहीं रुकते नहीं, आप उंगली पे ऐसे टाइपिंग करना पड़ता है, आपका हाथ की कहीं रुकने की जगह नहीं होती, तो थोड़ी देर बाद टाइपिंग करने के बाद वापस अंदर डालना पड़ता है। यानी कि अगर आप दिन भर कंप्यूटर टाइपिंग कर रहे हो ना, तो गलती से भी कीबोर्ड ट्रे मत लेना, वो आपका किसी काम का नहीं है। कीबोर्ड ट्रे उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा टाइपिंग करते हैं वापस अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग करते हैं वापस अंदर डाल देते हैं, उन लोगों के लिए कीबोर्ड ट्रे काम आता है। यानी आप 3 फीट की टेबल बना लीजिए, कीबोर्ड टेबल ऊपर रख लीजिए और आप ऐसे ऐसे टाइप करिए जो आपका हाथ है ना वो अब टेबल रहेगा और बड़ी आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे। तो कीबोर्ड ट्रे मुझे यूज़फुल नहीं लगा क्योंकि मेरा हाथ उस पर दर्द करते थे, इसलिए मैं कभी भी कीबोर्ड ट्रे पर काम नहीं कर पाया। और अब बात करते हैं दोस्तों कि हम कौन से मटेरियल के लिए। देखो ये जो टेबल देख रहे हैं ना आप, ये वाली ये टेबल, ये जो टेबल है, तो दोस्तों ये जो टेबल है ना ये प्योर लकड़ी की है और इसकी जो जीवन काल है, सर्कल है ना, ये 50 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ना इस टेबल का। एक आधी दोस्तों प्लाई की टेबल 10 से 12 साल चल जाती है, और एक आधी दोस्तों बुरादे की, बुरादे टेबल मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 साल, अगर पानी गिर गया तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो ये लकड़ी टेबल आती है ना ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, अगर आप आसपास में अच्छी बड़ी दुकान है लकड़ी की तो ये आप ऐसे बनवा सकते हो लकड़ी की। लेकिन आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ लकड़ी वगैरह इतनी आती नहीं, तो उस स्थिति में दोस्तों आप एक प्लाई की टेबल बनाइए और पूरी तरह प्लाई की बनाइए, बिल्कुल बुरादा वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो टेबल आप मेरे साइड में देख रहे हो ना ये मैंने बनाई है प्लाई की टेबल। अब बात की जाए दोस्तों बुरादे टेबल दोस्तों, स्पेशली आपको जो रेडीमेड टेबल रहते हैं ना वो 100% बुरादे की होती है, ये बहुत ही सस्ती बनती है, मतलब 2 से 2500 बन जाती है, 2000 से लगाकर 2500 बीच में, लेकिन दुकानदार इसको महंगा बेचते हैं। इसमें ऊपर जो पट्टा होता है ना वो तो प्लाई का होता है, लेकिन जो साइड के चारों साइड होते हैं ना वो होते बुरादे की, इसलिए ये टेबल आप थोड़ा भी हिलाते हो या पानी गिर जाता है खराब हो जाती है। तो ये मेरे टेबल पे दोस्तों व्यक्तिगत अनुभव है, अगर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं तो इन बिंदुओं को ध्यान रखकर टेबल बनाइए, लंबे समय तक चलेगी। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट संदेश वीडियो देखना, चैनल सब्सक्राइब कर जरूर करिए। थैंक यू।